वो साडे पिंड दे जिहड़े पुराने बुजुर्ग ने उन्हां दी बड़ी सपोर्ट रहिंदी है सरपंच साहब ने। सति श्री अकाल बाबा जी। सति श्री अकाल जी। मैं दिखाउंदा ही अज के बई मुंडे सवेरे सवेरे की काम करदे आ ते साडे बुजुर्गां दा की हुंदा पिंड दा माहौल दिखाउंदा इहदे। कल मैं कटिंग करके आया वेखो हाँ फुल जगह तो बने वधिया। हाँ बहुत वधिया। तो तिरुपति जी पैसे दिता मिनिस्टर पहलो कहता न्याणे कोट जाओ कहते ना बारे कहते जो मैं मरूंगा तो मैं उत्थे न्याणे कोट खा जाने जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। सत श्री अकाल सारिआं नूं। एक फिर नवी मॉर्निंग ते एक नवी कहानी तुहाडे वास्ते। सो अज दा दिन जिहड़ा है, अज है संडे जी, ठीक है। संडे जी नहीं मतलब संडे है जी, समझ गए, मतलब समझ गए जी मैं तुहानूं कहा संडे नूं नहीं ते मेरे जोक्स नूं की हुंदा जा रहा है मैनूं भी नहीं पता लग रहा। सो मेरे कहण दा मतलब है अज संडे है ते संडे नूं साडा ना प्लान थोड़ा जिहा अलग हुंदा। जिहड़े जिहड़े मुंडे तुसीं मेरे लास्ट वीडियो देखे होणगे कि रनिंग लई आउंदे ने, है ना, योगा लई जां एक्सरसाइज वास्ते जिहड़े भी आउंदे ने, उह संडे नूं योगा एक्सरसाइज तों ब्रेक लैंदे ने। ते उस दिन असीं पिंड दे जिहड़े आ कोई भी सांझियां जगह ने पिंड दीआं, है ना, जां पिंड दा चार चफेरा है उहदी किसी भी तरीके सफाई जां उहदे च किसी चीज़ की लोड़ है, उत्थे जिथे भी मैन पावर की जरूरत पड़े वो सारे काम असी करीदे आ। सो अज जिहड़ा है असी साडे पिंड दी जिहड़ी वॉलीबॉल ग्राउंड है आ वाली, इहदे रोड साइड तो नाल नाल वधिया जे पेड़ लाउण दी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नोट कीता मैं क्या कोशिश, हुण कोशिश क्यों कहा मैं, क्योंकि इस तो पहले असी दो वारी अटैम्प्ट कर चुके हैं। पहली वारी 40 बूटे लाए सी, सैकेंड वारी असी शायद 25 बूटे लाए थे, दूजी वारी हाँ 25 बूटे सैकेंड वारी लाए ही। ए आ मुंडा अजकल साढ़े यूथ क्लब का प्रेजिडेंट है, ठीक है, लियाना पैंदा इहनूं वैसे खिच के ही, पर हाँ उही हुंदा ना इहदे छाजे दे बन्निया होया वा प्रधान वाला असी, ते फिर इहनूं अगे आउणा पैणा, ठीक है। आ वेखो सत्ता लगा होया बड़ी तेज कई वाहुण, ओ मुंडे उधर पानी पाउण गए हुए ने, हैं कौन, तो जे मैं घा चुकन लग पिया तो फिर घा चुक के दिखावा ही किदा लोगों को, अज मैनू ब्रेक दे फिर ते हाँ सो गल चल रही सी। हाँ बई उही गल है, ये इंपॉर्टेंट है काम, तो आ भी तो इंपॉर्टेंट है, मानते हो कि नहीं मानते हो तुसी, है मान लो जी वो काम कर रहे ने तो मैं ना ही बनाऊंदा तो तुहानू किदां दिखदा, मान रहे हो ना मैनू नहीं खुल मिला के गल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ आप की गल कर रही, अज मैं डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा यार क्योंकि अज करनी गल्ला ही। हाँ एक मिनट मैं रख के, हाँ कोशिश कोशिश आ जिहड़ी जगह च हुणे दोबारा टोए कढ रहे ने ना, इत्थे असीं लास्ट टाइम बूटे लाए सीगे बट वो सरवाइव नहीं किए। आ बूटा लाया एक, ये केला आता है, तो एक चीज़ नोट करो, ये सामने भी इतने टायर है, तो ये सामने भी इतने टायर है, तुहानू की लग रहा है कि इत्थे असी गड्डी दफन की हुई है? बिल्कुल नहीं, इदां दा कुछ नहीं है। फिर टायर क्यों ने? टायर मैं तुहानू दसदा, एक्चुअल जो बूटे होंदे ने छोटे तो किसी को पता नहीं लगता, हुण ग्राउंड च जिहड़े भी शाम नूं मुंडे आउंदे ने वो इत्थों दी बाइक लैके सिद्धियां उत्थे खड़ियां करदे ने, तो पता नहीं लग पाउंदा कि इत्थे बूटा सीगा, तो गलती नाल ही ना चाहुंदे हुए कई बार किसी को बूटा जिहड़ा टुट जांदा है जां नुकसान हो जांदा। सो असीं उहदा आइडिया की लभिया, ये सानूं फ्री टायर मिले सीगे, ठीक है, ये असीं जिथे भी बूटा लाईदा उहदे सामने इदां एक टायर जिहड़ा वो लगा दईदा, उहदे नाल की हुंदा कि घट्टो घट्ट निशानी बनी रहिंदी है, पता रहिंदा सामने वाले नूं कि हाँ भाई इधर नूं अगे बूटा है, तो जिहड़ा
नहीं भी समझेगा वह फिर टायर च वज के आप ही डिगेगा, साडा की करेगा, साडा तो कोई नुकसान नहीं, साडा बूटा बचाना इंपॉर्टेंट है, वो अं बचा लेना। सो ज़्यादा हो गया डूंगा मेरे सामने पानी भी भाई पौने थोड़ा दूर चाहिए नहीं मैं कहना बूटा हो बूटे की टाणी बिच भोन दी हाँ जी थोड़ा बूटा देखी ना और इधर वाली जी करुंबल है ना वी वो दबोनी नहीं चाहिए ठीक है मिट्टी घट पा वाले हाँ वो जा चारे पास ना एरिया ना काफ़ी सेफ है हाँ जी है दूर पैना है इधर वाले पास पहले भी कुछ बूटे सरवाइव किए हुए ने है ना वो है पहली जो लला हाँ पहली जो आओ खाद खूद पई वाली मिट्टी होनी है ये बूटा है ना बाबा दूर है नाले इधर ग्राउंड भी बहुत दूर है इधर इतने सरवाइव कर जाएगा इन पानी पाओगे जैसे पानी लिया थोड़ा किधर है पानी लिया इस बूटे लिए हाँ आ ना असी इस तरफ आ निम का बूटा लाया एक सो जो तो बूटे लाने की गल आती है तो सानू ये भी बड़ा ध्यान देना चाहिए कि अं कहोजे बूटे ला रहे हैं है ना जिदा निम होया है ना जे कोई यहोजी जगह है जिथे सांझी जगह है यहोजी जगह पर पिप्पल या बोर्ड लाना भी मैनू लगता है बहुत वधिया रहूगा क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत वधिया सोर्स होंदा है सैकेंडली वो साड़ी की कहिंदे हुंदे आ लाइफ दे विच ना वैल्यू ऐड करते हैं यहोजे बूटे जिहड़े ने लाइक निम आ जिद्दां सवेरे जे आ बूटा सरवाइव कर गया साडा तां इन्ना मैनू पता है कि जो निम जिहड़ी है उहदी दातण करन वास्ते सारे पिंड ने आउणा है ठीक है बट जे बूटा लाउण दी वारी है तो फिर कुछ लोगों एफर्ट करना पएगा तो फिर होएगा बट उस कोई प्रॉब्लम नहीं सारे लोग एफर्ट नहीं करते बिजी हो सकते हैं सानू जे सवेर का टाइम जोड़ा है ये मिले है ना फ्री होंने रब वालों साढ़े को होंगे यहोजा टाइम तो उन्होंने अं चाहते हैं कि सोसाइटी चंगे पास वरत्या जाए है ना ग्राउंड की जो इधरों एंट्री है जी ये इस तरफ एक ये उस तरफ इतने दो अशोका ट्री लगाए ने क्योंकि ये लंबे जे पिलर टाइप जी फील दे जाते हैं ना एंट्री टाइप की फीलिंग आएगी इतना मतलब सानू इदा लगता है तो लाए असी तो बूटे साढ़े लागे आ तो व्लॉग कोई एडा वड्डा होया नहीं मैनू लगा कि तुहानू कुछ होर भी दिखा दें जो तुम नहीं देखिया जो है बड़ा इंट्रस्टिंग वो की है हाँ भाई चलिए हैं चलो दिखाइए फिर इन्होंने कोई खास चीज़ भी अपने पिंड की चलो आ जाओ अपने पिंड दे बहुत सारा पार्ट दिखाया है बट कभी इस पार्ट बारे आप गल नहीं की लेट सी पहले तुम देखो फिर दस्यो मैनू कि लग रहा तुम ये साडे पिंड दे सरपंच साहब मैंबर ते नाले साडे सीनियर पिंड दे जिहड़े ने वो इत्थे बैठे हुए ने ते ये जगह मैं तुम दिखाउणा तुम दस्यो देख के दस्यो कि तुहानू किदां दी लग रही है इंदू इंदू कितने ओ यार बाबे आ वाला बूटा देखी एक बार यार मैंने उपर वाला पासा सरफेस ये थोड़ा थोड़ा निकले हुए आवे ना आ एरिए देख ली मेरा भरा ठीक है वेरी गुड आ पत्ते नाल इतने नहीं रखने बाहर भी सुटने ठीक है
ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਈ ਬਣਦੀ ਗੁਲਾਈ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਬੂਟਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਫਲੈਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਆਈ ਓਏ ਘੈਂਟ ਆ ਉੱਤੋਂ ਆ ਹੀ ਵੇਖ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਣੀ ਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਬੇ ਘਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਤੁਰ ਪੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਯਾਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ ਬਾਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਆ ਲਓ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਓਕੇ 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 ਚੱਲ ਬਈ ਬੱਚੇ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ